की? कौन है जिसने यमराज को निमंत्रण भेजा है? बता बता, शीघ्र मुझे उसका नाम बता, मैं उसे अभी हम लोग को चाय देता हूं। भैया तुम्हें क्या, तुम तो रात दिन नाच गाने में मस्त रहते हो, सुरापान के मद में मतवाले रहते हो, तुम्हें क्या पता शत्रु तुम्हारे सर पर आ खड़ा हुआ है। तुम्हें अभिमान है कि तुम वेदों के पंडित हो, परंतु याद रहे विषयों के संग से सन्यासी, मान से ज्ञान, सुरापान से लज्जा और अहंकार से बड़े बड़े विद्वान भी नष्ट हो गए हैं। बता, अब तू ही मुझे बता, तेरे जैसे बलशाली भाई के होते हुए मेरी मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए थी। पहले तो मुझे ये बता कि तेरे नाक और कान किसने काट डाले? अब वो इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सुंदर नारी सुकुमारी नारी लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, जो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अपनी नाक बचा लो तुम, जग में ऊंचा नाम नहीं तो नक्टा नाम धरा लो तुम। बहन काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में, अरे टूटे पीठ भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में, जिस प्रकार उन्होंने तेरे नाक और कान काटकर मेरे मान और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है, उसी प्रकार मैं उनकी सुंदर स्त्री का हरण करके उनके मान और प्रतिष्ठा को सदैव सदैव के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। परंतु एक बात तो बता, ये समाचार ये दुराचार क्या घर दूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया, कहा था, वो सीना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, फिर तो उस बड़े तपसी ने सबका काम तमाम किया। तुम निश्चिंत रहो बहन, हम अभी उन दोनों तपस्वियों को तुम्हारे चरणों में ले आते हैं, तुम जाओ और जाकर महलों में आराम करो। ठीक है भैया, मुझे तभी प्रतिशोध मिलेगा। घर दूषण मम संबलवंता, मार सके ना कोई बिन भगवंता, जब उस एक अकेली शक्ति ने सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि वे है नारायण तो वैर भाव रखूंगा मैं, पिछले जन्मों के बंधन भी उनके द्वारा मिटूंगा मैं। अब तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि वे नारायण हैं तो उनके हाथों से मोक्ष प्राप्त करूंगा, और यदि वे कोई साधारण पुरुष है तो उसकी सुंदर स्त्री का हरण करके अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करूंगा। परंतु ये कार्य इतना सरल नहीं, कुछ सोचता हूं।
याद आया, छल और कपट की विद्या में निपुण मायावी मामा मारी मामा मारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मामा मारी नमः शिवाय। जय शंकर की। ओम नमः शिवाय। मामा मारीच। नमः शिवाय। जय शंकर की। जय शंकर की। आइए लंकेश पधारिए। आज तो इसके नमस्कार में भी कोई षड्यंत्र प्रतीत होता है। आज तो महाराज ने बड़े ही कृपा की, जो इतने दिनों के पश्चात इस तुच्छ सेवक को याद किया। हाँ मामा, आज तुमसे मिलने का दिल चाहा, तो दरबार से सीधा तुम्हारे पास ही चला आया। अहो भाग्य, कहिए नाथ, सब आनंद में तो है? हाँ, हम भी हैं आनंद, कहते हैं सभी व्यवहार में कौन रहता है मगर आनंद इस संसार में। हे नाथ, आज आपका मन इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आज आप ऐसी निराशापूर्ण भरी बातें कर रहे हैं? मारीच, हम पर एक विपत्ति आन पड़ी है। विपत्ति? देवता और दानों के स्वामी पर विपत्ति, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के विजेता पर विपत्ति, ये आप क्या कह रहे हैं दानवेश? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। एक बार बहन स्वरूप निखा दंडक वन में विहार करते हुए गई। वहां पर दो राजकुमार अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए हुए हैं। जब उसने उनसे बात करनी चाहिए तो उन तपस्वियों ने उससे छल करना चाहा। जब बहन ने उसका विरोध किया तो उस छोटे तपस्वी ने उसके नाक और कान काट डाले। वो रोती बिलखती चीखती चिल्लाती खर और दूषण के पास गई तो उस बड़े तपस्वी ने उन सभी वीरों का काम तमाम कर दिया। तो कहिए लंकेश, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुमसे बस यही कि किसी भी प्रकार से उनकी सुंदर स्त्री हमारे हाथ आ जाए। तुम छल और माया में निपुण हो, तुम अपनी माया से उन दोनों तपस्वियों को पंचवटी से दूर ले जाओ, जिससे मैं उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर सकूं और अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकूं। किंतु हे दशीश, मेरे विचार से ऐसा करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं, क्योंकि राम से बैर बांधना बड़ी ही भयंकर भूल है। हे दशीश, वो मनुष्य के रूप में इस चराचर के स्वामी है। ये दोनों वे ही राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी और मुझे बिना थरवाला बाण मारकर सौयोजन दूर फेंक दिया था। आज भी जब मैं उस बाण को याद करता हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है। इसलिए लंकेश, मेरा परामर्श मानिए और वापस लंका लौट जाइए। मामा मारी, तू कायरता की बातें करके लंका के नाम पर पत्ता लगाना चाहता है, लंका को अपमानित और कलंकित करना चाहता है। रे कांपता है जिससे जग, भयभीत सारा लोक है, क्या उसी रावण का मामा इस तरह डरपोक है? महाराज नहीं, मैं डरपोक नहीं, अभी तू
अभी तो मैं तो आपका हितैषी हूँ। मेरा विश्वास कीजिए दानवेश कि जिसने भी आपको ऐसी सम्मति दी है वो निश्चय ही आपका कोई मित्र नहीं अपितु शत्रु है, जो आपको भरमाकर नाश के पथ पर ले जा रहा है। नाश के पथ पर? अरे मूर्ख, मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला कौन हो सकता है? मेरे सम्मुख विरोध की भावना रखकर आने वाला कौन हो सकता है? देव दानव यक्ष और अवतार कहते हैं मुझे, वरुण अग्नि पवन और यमराज कहते हैं मुझे, विश्व ज्ञानी ज्ञान का भंडार कहते हैं मुझे, लोक के विद्वान भी गुणवतार कहते हैं मुझे। ये सब तो ठीक है दानवेश, किंतु समय की गति सब कुछ निष्फल बना देती है, होनी अच्छे अच्छे को खेल खिला देती है। राजन, काल का प्रवाह बढ़ता और फिर रुकता भी है, जो चढ़ा करता है ऊंचा वो ही फिर झुकता भी है। अरे मूर्ख, तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश देने लगा, क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा राजा हूं और तू मेरी प्रजा? राजा यदि प्रजा से निवेदन भी करता है तो प्रजा के लिए आदेश होता है, और राज आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु दंड होता है। ठहर, मैं पहले तुझे ही हम लोग पहुंचाता हूं। क्षमा क्षमा लंकेश, क्षमा, मुझे कुछ सोचने का अवसर दीजिए। सोच ले। राजा मूर्ख धनवान कवि और रसोईया, इन सबसे बैर करना उचित नहीं, फिर अब मेरी तो दोनों ही ओर से मृत्यु है। वहां वहां श्री रामचंद्र जी के बाणों से मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और यहां इस दुष्ट की तलवार मेरे प्राण ले लेगी। अतः अतः दुष्ट के हाथों मरने से तो यही अच्छा है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण खाकर ही मोक्ष को प्राप्त हूं। हाँ, यही उचित रहेगा और इसी में मेरा कल्याण भी है। महाराज सोच लिया? हाँ महाराज सोच लिया, अब कहिए मेरे लिए क्या किया है। तो ठीक है, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हराऊंगा। कैसी आपकी आज्ञा।